थप्पड़ लगा दूंगी मैं, बता रही हूँ। अब एक थप्पड़ मैं भी लगा दूंगा। कर रही हूँ मतलब थोड़ा सा हो क्या गया, मतलब सर चढ़ जा रही हो। काम करो। हाँ क्या करें, काम क्या करो, काम करो यार। हे गाइस, दिस इज सुमित कुलवे। दोस्तों आज हम एक न्यू धमाका करने के लिए आ गए हैं। कुछ टाइम पहले हमने एक पुलिस वाली मैडम के साथ प्रैंक किया था, जो कि हमारी जिम में भी आती है। अरे आप इस तरीके से गुस्सा क्यों कर रहे हो? बोला तेरे जिम में तो किस टाइम पे आता है मुझे पता चल। कल से तेरा जिम आएगा, ऐसी टांगे तेरी काट दूंगी ना, अरे जिम आना ही भूल जाएगा। कौन सी जिम बोलना, ये कब आया? मतलब मैं ना जाऊं क्या? तो कुछ टाइम पहले उनके साथ हमारा घूमने का प्लान बना था बाहर हम लोगों का, लेकिन उन्होंने बाइक से चलने का मना कर दिया कि हम बाइक से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा कार जो है उस टाइम गया था सर्विस को। तो आज फिर से हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन मुझे वो दिन की बात याद है कि आप बाइक से नहीं गई जबकि हमारे पास बुलेट है। तो आज उनको हम लोग कैमरा फिर पहले से लगा के रखे हैं, कैमरामैन हमारा गया है पहले आगे खड़ा है, मैं भी बस कपड़े चेंज करके निकलूंगा। आज उनको कार से लेके निकल तो रहे, लेकिन कुछ भी हो जाए उनको बाइक भी बिठाएंगे। अगर बिठा लिए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो हमारे सारे दोस्त तैयार हैं पहले से ये पूरा प्लान करने के लिए। बाकी मैं भी बस कपड़े चेंज करता हूँ, निकलता हूँ घर से। बहुत मजा आएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहो, बहुत बड़ा धमाका होगा। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी पूनम जी के घर के पास। आपका ये आधार कार्ड कहाँ का है? मेरा घर अलीगढ़ का है। अलीगढ़ का है? अच्छा, तो वोट वगैरह यहाँ पे नहीं दे पाती हो किसी को? तुम किसको दे रहे हो? आपको। आप लेने लायक तो हो जाओ। बढ़िया मजाक कर लेते हो। कह रहे हैं आप लेने लायक तो हो जाओ, मतलब चुनाव के लिए खड़े तो हो जाओ, तो हम आपको ही देंगे वोट। अच्छा, आपको लगता है कि मैं किसी और को दूंगा? नहीं, फिर मुझे आप लगता है कि तुम मुझे ही दोगे वोट। वोट की बात कर रही हो ना? हाँ, वोट की ही बात कर रही हूँ। वोट मत यहाँ आई हो? नहीं, मैं रुकता हूँ मैं इधर। क्यों? थोड़ा सा काम है। क्या? अरे वो फ्रेंड कहाँ मिलेगी? फ्रेंड आने वाली है क्या? वो वाली? वो तो मिलेगी आगे अभी। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा और काम है मुझे। क्या? दो मेरे दोस्त आ रहे हैं कुछ काम से, उनको गाड़ी का ना कुछ पूछना है, बस यहीं पे है, फोन आया था। ठीक है, कर लो। मिल लें तो फिर उसके बाद। हाँ आप बैठो, ठीक है, कांच नीचे कर देता हूँ। तुम लोग तो रोड पे चलने नहीं दे रहे हो, कहाँ से देख जा रहे हो मुझे? बस यहीं कुछ दूर में था, आप निकल रहे। क्या बोल रहे हो? कुछ ही दूर यहाँ से निकल रहे थे, आप उधर उधर थे तो आपको देखा। पहले यार मुंह से तंबाकू निकाल के बात करो तुम। इसके मुंह में पैदाशी सुपरी है, ये तोतला है। अरे साफ बोलो, मतलब कह रहा हूँ विमल का ऐड करता था ना पहले ये। अच्छा, तो अरे मैं आगे निकल रहा था, आज घूमने के मूड था तो मैं भी था, और मैडम भी है साथ में, और एक लड़की और है, तो हम लोग आज घूमने के मूड से निकले। मैडम को पहचानते होगे शायद? हाँ, पहचान रहे हैं, ये जिम करती थी ना आपके साथ। हाँ पहचान गए हम। ठीक है, तो क्या हुआ, किस लिए रोके? भैया वही गाड़ी आपकी पसंद आ गई थी, आपकी पहले बात हुई थी है ना। हाँ तो भाई पसंद आ गई तो घर पे देखोगे कि मैं जा रहा हूँ कहीं पे, फोन करके रुको भैया समझ, भैया रुको रुको रुको। नहीं भैया, बात ये था कि आपको देख लिए वहीं पे, चेक कर लिया, चेक एक बार, थोड़ा अगर दिक्कत ना हो आपको थोड़ी देर क्या चेक कर देख लेते हैं एक बार। क्या देखोगे? देखो आप ये ज्यादा ही जिम कर रहे हैं क्या, मतलब एक बार ऐसे मारे हम पूरा पीछे ही चले गए। देख लो क्या देखना, जल्दी देखो हम भैया थोड़ा हेडलाइट देख लेते हैं, हेडलाइट देख ले। अच्छा नहीं, बुलाया नहीं था मैंने, वो खुद से मुझे फोन किए कि गाड़ी मतलब। अरे मैं इसको एक हफ्ते बाद निकाल दूंगा ना। सही है, तो उसके लिए सॉरी लिस्ट। अच्छा चलो भाई, गाड़ी आना घर पे, मजाक कर रहा हूँ, घर पे देखना। देख लेते हैं तो, अब तुम फालतू बात कर रहे हो, हेडलाइट वेडलाइट तो समझ में आता है, फालतू बात मत करो। सब यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, मैडम भी बच्ची नहीं है। अभी जब गाली देंगी ना तुम लोगों को तब पता चलेगा, जो तुम लोग आए हो ना चश्मा लगा के यहाँ पे। बताएं क्या, अभी चश्मा क्या हटाएं, क्या बोल रहे थे, हेडलाइट
सॉरी भैया उसके लिए। अभी जब मैडम डांटेंगी ना तब पता चलेगा। मैडम सॉरी मैडम जी सॉरी सॉरी चश्मा हम चेंज कर ले रहे ना हटा ले रहे हैं। चलिए भैया उसके लिए सॉरी। अब आ गए हैं तो यहाँ बात कर लेते हैं। भैया जब आ ही गए तो गाड़ी देख लेते हैं ना थोड़ा। देखो ना फिर थोड़ा सस्पेंशन देख लेते हैं उसकी। शॉकर देख लो डीलर की। एक काम करो मैडम आप ना उतर जाओ। एक अच्छा। मैडम एक मिनट आप उतर जाओ। नहीं यार सुनिए। हाँ एक मिनट आप उतर जाओ ना ये लोग गाड़ी चेक कर ली उसके बाद बैठ जाओ। क्या यार सुमित मतलब मुझे तुम किस चीज के लिए लेकर आए हो और तुम ये सब तो चल रहे हैं हम लोग लेकिन दो मिनट चल रहे नहीं है यार टाइम नहीं है फिर मेरे पास ज्यादा मतलब ऑलरेडी मेरे पास इतना ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ काम को लेकर इतना ओवरलोड हो रहा है ऊपर से तुम ऐसा सब क्या यार। अरे मुझे खुद बुरा लग रहा है लेकिन आज ही करनी थी। आज ही नहीं बस दो मिनट लगेगा चेक करेंगे उसके बाद हम लोग निकल चलेंगे। यार सुमित ऐसे ही चेक करा दो ऐसे ही चेक कर लो क्या चेक करोगे क्या चेक कर लो हिला के देख लो गाड़ी सही है देखो ना मार खाओगे इनके हाथ से तब पता चलेगा क्या। अरे भैया बस चेक तो कर रहे थे बस सॉकर ही चेक कर रहे थे। बदतमीजी मत करो अभी फिर से अभी गाली खाओगे ना तब पता चलेगा। मैडम सुमित प्लीज यार मुझे क्यों बोल रहे हैं इसको नहीं डाल सकते। अच्छा मैम थप्पड़ लगा दूंगी मैं बता रही हूँ। अब एक थप्पड़ मैं भी लगा दूंगा क्या बदतमीजी है ये। अरे भैया आपने पूरा चेक कर ले बाहर आओ मैडम आप नहीं नहीं मैडम आप आओ आप आओ बाहर। तो सॉरी भैया सुमित भैया सॉरी इसके लिए क्या इसके लिए सॉरी इसलिए तो भैया हमने बोले थे मैडम अगर ये किस तरीके से हिला रहे हो सुनो आप ये किस तरीके से हिला रहे हो मेरी बात सुनो। हाँ उसने जो किया जूता खाने वाला काम किया अब तुम सुनो। नहीं नहीं हम तो दोस्त हैं हम तो दोस्त हैं। सुनो अब तुम नहीं हम दोस्त तुम अपना काम कर लो जो तुम्हें काम करना है। मैं फोन लगा रही हूँ ठीक है। अरे क्या हो गया फोन लगा रही हूँ कहाँ लगा रही हूँ। मैं फोन लगा के अपनी गाड़ी मंगवा ले रही हूँ। किस लिए मैं गाड़ी और मुझे पहले तो ये बताओ यहाँ का ये जगह कौन सी है। अरे अरे मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हो मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हो। नहीं यार सुमित ये इधर आओ इधर आओ आप इधर आओ लग जाएगा रेपुटेशन है अरे यार। बहुत कुछ है आपका सब है आप ही का मैं भी आपका हूँ लेकिन क्या है ये सब यार। अरे लेकिन गुस्सा मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो बदतमीजी कोई और कर रहा है लेकर तुम मैं तुम्हारे साथ आई हूँ गुस्सा मैं मार दो इसको मार दूं मैं जो करना है वो तुम करो बस जो करना है वो तुम करो। लेकिन आप गुस्सा मत करो जो बोलोगे सो करेंगे जो बोलोगे सो करेंगे गुस्सा मत करो बीच में मत बोलो बार बार बता रही हूँ मैं तुम्हें अभी। अच्छा आप आओ वॉक करो छोटा सा वॉक करो। कोई वॉक नहीं 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 यहाँ पे आइए आइए मैडम आप आए कोई वॉक नहीं तुम अपना काम खत्म करो बस। चाबी उधर ही लगी है चेक कर लेते गाड़ी चेक कर लेते उधर ही लगी है उधर ही लगी है चाबी। सुनिए ना अरे आप गुस्सा मत करो नहीं ये बताओ कि बदतमीजी उन लोगों ने किया डांटा मैंने भी उनको आपने भी डांटा तो फिर उसमें क्या हो गया क्या करूँ मैं बताओ। नहीं कुछ मत करो ये सब बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है बोलो। हाँ क्या कर रही हो मतलब थोड़ा सा हो क्या गया मतलब सर चढ़ जा रही हो काम करो। हाँ क्या करो नहीं काम क्या करो काम करो यार सुमित बस मुझे जाना है मैं गाड़ी मंगा रही हूँ। क्या हो गया फिर ओके सब गाड़ी गाड़ी ओके हो गया गाड़ी क्या करना है तुमको सोचे यहाँ पे आया तो गाड़ी ले लेते हैं। किस लिए गाड़ी अभी हम कहाँ कैसे जाएं किस लिए ले क्या करोगे। एक्चुअली भैया हमको लखनऊ निकलना है। किस लिए लखनऊ निकलना है थोड़ी पापा की तबीयत खराब है। किसके पापा की तबीयत खराब मेरे पापा की तबीयत खराब है। क्या हो गया अरे थोड़ा हार्ट के पेशेंट इसकी वजह से दिक्कत है इसलिए जाना निकलना है तुरंत। हाँ तुम्हारे पापा को हाँ भैया हार्ट का प्रॉब्लम हाँ भैया चले मैं भी। अरे नहीं भैया आप मैडम को छोड़ दीजिए हम लोग। नहीं 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 अरे यार लड़की मेरे लिए मायने नहीं रखती मेरे दोस्त मायने रखते हैं अरे और उनके फादर अगर ऐसे हैं तो हम अनुभव निकल जाएंगे आप मैडम को देख मैडम जी को देख लेंगे लेकिन आपकी अगर तबीयत भाई ऐसी है तो पापा की तो हमको चलना चाहिए साथ में भैया हम लोग चले जाएंगे आप देख लीजिए हमको जल्दी इमरजेंसी निकलना है तुरंत निकलना भैया। सच में तबीयत खराब है तबीयत तो तो जाओ लेके गाड़ी लेके जाओ हम दूसरी गाड़ी घर से मंगा लेंगे। अरे भैया दूसरी गाड़ी तो हम इसको खोल के जा रहे हैं अब इससे बुलेट से चले जाइएगा हमारे आपके बुलेट से मैडम नहीं जाएंगी ना बात ये है मैडम बाइक पे नहीं बैठती हैं। कल ये पापा की बात है ठीक है मैं देखता हूँ क्या करना है दे दो बाइक की चाबी मुझे। और भैया ये कुछ कैश है। अरे भाई तुम पैसा रखो यार तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है तुम उसको देखोगे कि पहले यहाँ पैसा दे रहे हो कुछ तो रख लीजिए लेके जाओ फोन करना अभी 10 मिनट बाद उसके बाद मैं बताता हूँ गाड़ी में कैसे क्या है। चलिए ठीक है भैया अब जाओ पहले ठीक है भैया ठीक है निकलो ठीक है जाओ 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 जाएंगे कैसे। हाँ जाएंगे कैसे जाऊँगी मैं बताओ वो छोड़ो पहले आपको उसके पापा की तबीयत खराब है वो चीज़ नहीं पूछ सकती हो। ठीक है बट मैं कैसे जाऊँगी उसको जाने दो मुझे कोई इशू नहीं है उसका। बाइक से जाओगी बाइक से जाऊँगी। हाँ नहीं जाओगी बाइक से मुझे नहीं मत जाओ हम चाहते हैं कि मत जाओ मतलब आप इधर सुनो
बाइक से नहीं चलना है हमारे। ऐसा क्या हो गया है बाइक में कि बाइक से नहीं चल सकते हो आप? हाँ, मेरी एक रेपुटेशन है। तो बाइक में क्या हो जाएगा, बैठ जाओगे तो? उस दिन भी तुमने वैसे मना किया, लेकिन आज उस दिन सिचुएशन कुछ अलग थी, लेकिन आज क्या हो गई है? चलो चलो चलो। अरे यार दिया टॉर जिमें 32 सरकारी दास का दो। हाँ, नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। अरे यार दिया टॉर जिमें 32 सरकारी दास का दो। मत ले जाओ दोबारा, मत इतना एटीट्यूड ना मुझे मत दिखाओ। अच्छा आओ, आओ आओ चलो। अब क्या आओ, आओ बैठो।